देखना बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बोल्टमैन एंट्रोपी रिलेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे बोल्टमैन एंट्रोपी रिलेशन, और इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हो रिलेशन बिटवीन बोल्टमैन एंड प्रोबेबिलिटी। यानी ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ इसमें तीन टर्म है, थ्री टर्म है, एक तो एंट्रोपी है, दूसरा बोल्टमैन है, तीसरा क्या है थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी है। तो आप चाहे इसे क्या कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी या बोल्टमैन कहो, या तो रिलेशन बिटवीन बोल्टमैन और क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी कहो, ठीक है ना। तो वो हेडिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या बनाते हैं, चाहे इस केस के बीच रिलेशन कहो, चाहे इस केस के बीच रिलेशन कहो, चाहे इस केस के बीच रिलेशन कहो। और यही फार्मूला हमें क्या करना है, प्रूव करना, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा एंट्रोपी जान लेते हैं। बहुत ज्यादा हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं कि ये एंट्रोपी होता क्या है। तो देखो बोल्टमैन एंट्रोपी रिलेशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंट्रोपी पढ़ेंगे। तो एंट्रोपी कुछ है नहीं, ये इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है विच मेजर द रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्या करता है, किसी कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स है उसके केवल और केवल रैंडमनेस को ही मेजर करता है। रैंडमनेस को मेजर करने का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स कितनी तेजी से क्या करते हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड इट रिमेन्स इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये आप लिख सकते हो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मैं पूरा नहीं लिखा यहाँ, रिमेन्स कॉन्स्टेंट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहता है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमेशा क्या होता है कि ये कॉन्स्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है वो होता नहीं है। क्योंकि एडियाबेटिक में क्या होता है कि जो हीट होता है वो हीट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी डेल्टा क्यू कितना होता है, जीरो होता है। ये कांस्टेंट जितना हीट है वो बना रहेगा, इसलिए वो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। एडियाबेटिक डायथर्मिक पढ़े हैं ना आप लोग, और आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़े हमने, पढ़ा हो एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक जी प्रोसेस। सर, तो हाँ, वो सब चीजें थर्मोडायनेमिक्स की हैं। तो यहाँ मैं एंट्रोपी को थोड़ा बस याद दिला रहा था बस। तो ये क्या है, मेजर द रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इसका आपने एक सुंदर सा फार्मूला भी लिखा होगा, तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू चेंज इन हीट बाई टेम्परेचर। यानी आपको कहा जाता है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पर एंट्रोपी क्या करती है, बताओ। टेम्परेचर बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ती है, घटती है, कोई बताएगा। ये थोड़ा फॉर्मूला उसके लिए फेल होता है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ने पर एंट्रोपी घटनी चाहिए ना, नहीं, टेम्परेचर बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ती है। वैसे भी जानते हो कि अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत तेजी से क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या कर जाएगा, एंट्रोपी भी क्या होगी, कम होगी, यानी डीएस कम होगी जब टी को क्या करेंगे, ठीक। तो ये फॉर्मूले से कुछ सटीक बैठ नहीं पाता, ठीक है ना, तो उस पर ना जाए, ठीक। तो आइए थोड़ा सा हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, इसको हम चलिए देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या आती है। तो प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, इट इज अ सिस्टम इफ अ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कोई सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, देन फॉर ईच माइक्रो स्टेट देयर आर मेनी नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट। मैंने बताया था ना कि किसी पर्टिकुलर ईच माइक्रो स्टेट में ढेर सारे माइक्रो स्टेट होते हैं। यानी याद करो, मैं 0.4, 3.1, 2.2 और 1, सॉरी 2.2
वन कामा थ्री और जीरो कामा फोर में मैंने बताया था इसमें वन आ था, इसमें फोर आ था, इसमें सिक्स आ था, याद आ रहा नहीं? किसी पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट में क्या होते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं, माइक्रो स्टेट होते हैं, एमआई, समझ गए ना? तो सब पढ़ चुके हैं आप लोग, तो फॉर ईच माइक्रो स्टेट देयर आर मेनी नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट, मेनी नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट होते हैं. दीज नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट आर नोन एज थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी एंड डिनोटेड बाय ओमेगा. समझ गया ना, याद आ रहा नहीं? ये है, ये एनसीआर से रिप्रेजेंट करते थे, याद आ रहा ना? भूल गया. तो अब रिलेशन निकालने मजा आएगा. अब हम क्या करेंगे, बोल्टमैन एंट्रोपी रिलेशन निकालेंगे. बोल्टमैन एंट्रोपी रिलेशन, एंट्रोपी रिलेशन. अगर मैं एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी को थोड़ा डिफाइन करता तो ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं जाती, ठीक है ना? देखो बस जल्दी से एक झटके में कर दूंगा. इसका जो रिलेशन है बहुत इजी है, ठीक है ना? किताबों में बहुत लेंथी दिया हुआ है, तो हम आपको बहुत इजी तरीके से दिखाएंगे. तो आपने आप देखना, आपको पता है, वी नो दैट एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी कितना आता है, डीएस विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई टी होता है. तो चेंज इन हीट बताइए, अगर हीट में निकालू कितना हो जाएगा, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू टी डी एस हो जाएगा क्या, ठीक? अगर टी डी एस है तो हम इसको ये हीट को एनर्जी के फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं. मैंने ये कह दिया, से अपने से कह दिया. अगर ये ऐसा कह दिया तो मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डेल एस वाई कितना, डेल ई लिख दिया. बोलो, लिख दू यार, ये टी इधर चला जाएगा, नहीं नीचे चलाएगा, और डेल को डी के फॉर्मूले में मैंने चेंज कर दिया, ठीक. इतनी बात हो गई. अच्छा अब देखना बेटा, अब लोग देखना, आपको पता है ये, वी नो दैट, अगर आपको पता है तो अभी बीटा पैरामीटर निकाला था, वन बाई कितना था, केटी था क्या, और यही बीटा क्या मैंने निकाला था, डेल बाई डेल ई लॉग ओमेगा मैंने लिखा था, याद आ रहा है? मैंने बताया था यहां ई लिखो चाहे ना लिखो, ठीक, निकाला था, इतना आपको पता है. तो मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन देता हूं और इसे मैं सेकंड देता हूं. अच्छा अभी इसे सेकंड नहीं देता हूं, एक काम और कर लेता हूं. तो अब अभी दोनों बराबर लिख सकते, ये वन बाई टी लिखा, के को मैं इधर ले गया, के को मैं इधर ले गया, तो डेल बाई डेल ई क्या हो जाएगा, के लॉग ओमेगा. अब इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, दोनों को इक्वेट कर दू, वन बाई टी इधर भी है इधर भी है ना, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू भी कितना हो जाएगा, बोलो, डेल एस बाई डेल ई विल बी इक्वल्स टू डेल बाई डेल ई के लॉग ओमेगा. ओके, अब देखो दोनों तरफ ये जो डिफरेंशिएट है इसे कैंसल आउट कर दूं, तो जब या इंटीग्रेट कर दूं कोई दिक्कत है, तो यस विल बी इक्वल टू क्या बचेगा, के लॉग ओमेगा बचेगा, के लॉग ओमेगा बचेगा. यही हमको क्या करना था, निकालना था. ओके बेटा, हैंस प्रूव्ड, इजी था ना? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वही अगर एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी को थोड़ा डिफाइन न करता थी और छोटा हो जाता. ओके, तो ये एंट्रोपी है बोल्टमैन कांस्टेंट, ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी है. यह मैं लिख देता हूं, यस विल बी इक्वल टू के लॉग ओमेगा.
यहां पे आप देखना वेयर यस क्या है एंट्रोपी, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ओमेगा क्या है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। ओके तो बस समझना तो ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, कल ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। ठीक, तब चौथी यूनिट में हम चलेंगे बेटा।